है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तिलक नगर इलाके में कहा जाता है। वहां पर आज रैली का आयोजन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इप्टा के राष्ट्रीय सचिव राकेश जी। इनसे बात करते हैं, जो रैली का आयोजन किया गया और यहां पर दो दिवसीय कार्यक्रम भी होगा, बहुत सारे यहां पर ड्रामा भी होंगे, इनसे जानेंगे कि क्या खास रहेगा इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमारे चैनल वी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। जिस तरह से आज ये इफ्तार की जो शुरुआत हो गई है प्रोग्राम की, रैली का क्या मेन मोटिव था? ये एक तरह से इफ्तार का एक ये परिपाटी है। ये जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम, थिएटर फेस्टिवल या उसके सम्मेलन होते हैं, ये राष्ट्रीय संगठन है और इसकी देश भर में हर लगभग करीब करीब हर प्रांत में, दो चार प्रांत को छोड़कर सारे प्रांतों में इकाइयाँ। अभी इसका राष्ट्रीय सम्मेलन 17, 18, 19 मार्च को डाल्टनगंज झारखंड में होने जा रहा है। उसके पहले सारे राज्य इकाइयाँ अपने अपने कुछ सम्मेलन कर चुकी हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ आगे मार्च से पहले पहले तक फरवरी में सारे सम्मेलन हो जाएंगे, तो वो प्रक्रिया चल रही है। और उसमें स्वाभाविक बात है, ये एक सांस्कृतिक संगठन है, ये ड्रामा करता है, गीत गाता है, नृत्य के कार्यक्रम पेश करता है और भी जितने लाइट फॉर्म्स हैं, मतलब पेंटिंग हैं और भी जो भी फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म और सारी चीज़ों के साथ काम करता है। तो अलग अलग इकाइयाँ अपने रिसोर्स के हिसाब से उन कार्यक्रमों को करती हैं, कहीं थिएटर होता है, कहीं गीत है, नृत्य होता है, तो ये अलग अलग राज्यों में होता है। तो ये होता है कि दिन में क्या हम लोगों ने पिछले जब सम्मेलन 3-4 साल पहले हुआ तो उसके बाद अब तक क्या हुआ है और क्या आगे की योजना है, क्या हम करेंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है। और कार्यक्रम के पहले या बाद में कभी कभी जैसा जिसकी सुविधा हो, पहले जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए एक सांस्कृतिक रैली करते हैं, जनता का आह्वान करते हैं कि कार्यक्रम है उसमें आप आएँ। तो कई बार बहुत सारी जगहों पर हम लोग के अनुभव हैं कि पहले रैली निकाल के जब हमने आह्वान किया और टिकट लगाए तो सारे टिकट बिक गए और बहुत सारे लोग आ गए, ज़्यादा लोग आ गए। यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बाहर से आऊँगी, उन्होंने कोई टिकट रखा है या फ्री में रखा है, फ्री में रखा है तो अपने आप आएंगे, वो अलग बात है। तो ऐसे अनुभव हुए हैं, तो उससे ये होता है कि जनता में एक मैसेज जाता है कि हाँ, इस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ये नाटक होने जा रहे हैं, ये सब लास्ट में अनाउंस करते जाते हैं। दो दिवसीय कार्यक्रम है ये और लगभग 4 यहाँ पे जो ड्रामा होंगे, किस तरह के ये प्रोग्राम देखने, क्या संदेश रहेगा लोग पब्लिक के? अब ये अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ हैं, जैसे जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें एक सिकंदर की कहानी है, जामुन का पेड़, कि कैसे एक वो जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसमें उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। अब वो जो दबा हुआ आदमी है वो कहता है हमको निकालो। अब वो पहले कोई रिपोर्ट सचिवालय में रिपोर्ट जाती है कि इस ये पेड़ हमारे उसमें नहीं आता, ये नगर पालिका में आता है। नगर पालिका कहती नहीं नहीं ये तो वन विभाग में आता है। फिर कोई कहता है कि इस विभाग में आता है, तो वो इसी में वो आदमी मर जाता है, वो पेड़ हटाने कोई नहीं आता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं। एक हमारे भिलाई इप्टा की प्रस्तुति होगी, फणीश्वर नाथ रेणु की, ये जन्म शताब्दी थी, तो उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है पंचलैट। तो गाँव में पहली बार किसी पिछले गांव में जो पेट्रोमैक्स होता है पंचलैट, वो आती है। अब समस्या ये होती है कि उसको कोई जलाना नहीं, किसी को आता है, वो पूजा उजा करके उसकी बैठते हैं, कहते हैं अब उसको जलाए कौन। तो वो उसके पूरे दृश्य हैं कि गांव में पेट्रोमैक्स आता है तो क्या क्या होता है। इस तरह का एक नाट्य प्रस्तुति जो लखनऊ के वेदा राकेश, मेरी पत्नी भी हैं, उनकी अकेली एक एकल प्रस्तुति है, एक अकेली औरत, हाँ वो होगी कल। तो वो एक विश्व प्रसिद्ध नाटककार दारियो को और उनकी पत्नी फ्रांका रैम जो नोबेल प्राइज विनर थे, उनकी वो कृति है। तो उसको उन्होंने अपना भारतीय रूपांतरण किया है और उसके कई प्रदर्शन तमाम जगहों देश भर में हो चुके हैं और वो तमाम रंगकर्मी हैं, निर्देशिका हैं, फिल्मों में तमाम सीरियल्स में तमाम जगहों पर काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया। बहरहाल वो कल उसकी प्रस्तुति हो। तो इस तरह की प्रस्तुतियां हैं और बाकी चीज़ों पे हम लोग दो दिन तक आज उद्घाटन के बाद, उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है पंचलैट, गांव में पहली बार किसी पिछले गांव में जो पेट्रोमैक्स होता है पंचलैट, वो आती है। अब समस्या ये होती है कि उसको कोई जलाना नहीं,
किसी को आता है, वो पूजा वूजा करके उसकी बैठते हैं, कहते हैं आप इसको जलाए कौन, तो वो उसके पूरे दृश्य हैं कि गांव में पेट्रोमैक्स आता है तो क्या क्या होता है। इस तरह का एक नाट्य प्रस्तुति जो लखनऊ के वेदा राकेश जो मेरी पत्नी भी हैं उनकी अकेली एक एकल प्रस्तुति है, एक अकेली औरत, हाँ वो होगी कल, तो वो एक विश्व प्रसिद्ध नाटककार दारियो फो और उनकी पत्नी फ्रैंका रैम जो नोबेल प्राइज विनर थे उनकी वो कृति है, उसको उन्होंने अपना भारतीय रूपांतरण किया है और उसके कई प्रदर्शन तमाम जो देश भर में हो चुके हैं और वो तमाम रंगकर्मी हैं, निर्देशिका हैं फिल्मों में, तमाम सीरियल्स में, तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया। बहरहाल वो कल उसकी प्रस्तुति हो, तो इस तरह की प्रस्तुतियां हैं और बाकी चीज़ों पे हम लोग दो दिन तक आज उद्घाटन के बाद कल चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने भविष्य की योजना बनाएंगे। यही कार्यक्रम जैसे कि इफ्ता की ओर से प्रोग्राम तो बहुत सारे होते रहते हैं लेकिन बिलासपुर में ये काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, तो क्या ये अब आगे चल के कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू तो अभी बिलासपुर में हम लोग अप्रैल के महीने में 9 अप्रैल से हमने 5 राज्यों की यात्रा की थी, ढाइया कर प्रेम की यात्रा, तो मैं समझता हूँ 9 अप्रैल को रायपुर से ही वो यात्रा शुरू हुई थी और 10 अप्रैल को हम लोग यहाँ बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। तो इस तरह से ये कार्यक्रम करते रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो अब आगे भी अब ये बिलासपुर के लोग अपना तय करेंगे, यहाँ राज्य के लोग तय करेंगे कि क्या कार्यक्रम। आप राज्य सचिव हैं तो आपको तो इसमें कुछ अपनी राय रखनी चाहिए। ये सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं, इसमें कोई ऐसा संगठन नहीं है कि राष्ट्र से कोई निर्देश दिया गया है अब ये करना है, तो कोई किसी के कोई संसाधन होते हैं उस हिसाब से काम करता है, ये उस तरह का संगठन नहीं है कि ऊपर से ये चला है आदेश और सबको उसी तरह करना है। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपने संसाधनों के अनुसार काम करते हैं। किसी के पास गायक ज़्यादा हैं तो गायन का काम करेगा, किसी के पास नाटक के लोग हैं तो नाटक का काम, ये सारी। जैसे आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ इतनी दूर से आप आए बिलासपुर में, तो क्या डिफरेंस दिखता है वहाँ के लोगों में? वहाँ पर भी ड्रामास होते हैं, यहाँ पर भी, और क्या डिफरेंस दिखता है उन लोगों में यहाँ से वहाँ के लोगों में? बेसिक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है और ये जनरल तरीके से जैसे वहाँ काम करते हैं वैसे यही काम करते हैं। अब ये अलग अलग जगह के कल्चरल डिफरेंस होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के हबीब तनवीर थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी के नाचा के उसको बहुत उठाया। अब उत्तर भारत में जैसे नौटंकी शैली में बहुत सारे हम लोगों ने एक नाटक आला अवसर किया था, बहुत मशहूर हुआ, वो नौटंकी शैली में था। तो अलग अलग शैलियों के डिफरेंस हैं, बाकी तो सब उसी तरह। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप छत्तीसगढ़ के लोगों को? ये है कि देखिए समाज में जब बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते, नफरत का माहौल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे समय में क्या है कि भाई हम लोग सिर्फ प्रेम की बात, कला क्या करती है प्रेम की बात, प्रेम की ही बात कर सकते हैं। सुनना ना सुनना वो जनता पर निर्भर है और उस पर निर्भर है। कुछ लोग नफरत बांटने का काम करते हैं, प्रेम बांटते हैं। तो ये थे हमारे साथ इफ्ता के राष्ट्रीय सचिव राकेश, जिनसे हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो 2 दिवसीय कार्यक्रम उनका हो रहा है यहाँ पे, आपको बहुत सारे कार्यक्रम जो देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं मैसेज देता है पब्लिक को, और उन्होंने ये बताया कि आगे बिलासपुर में और भी आपको ऐसे ही कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और उनका ये भी कहना है कि मैसेज जो जनता को दिया है कि आपस में बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव या नफरत की भावना पैदा हो रही है उसमें परिवर्तन लाएं, मिलकर रहें। रेडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज छत्तीसगढ़ बिलासपुर। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।